आज हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसे तो क्लास एट्थ का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन नंबर्स के बारे में हम क्लास सिक्स से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर विच डिनोट्स बाय कैपिटल एन, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिटी। ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर रेशनल नंबर। सेकेंड नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर विच डिनोट्स बाय डब्ल्यू। इस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं मेरे पास, मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम आए हैं, तो उनको ये इंग्लिश वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो इसके लिए मैं आपको इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो आप देखिएगा, नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। होल नंबर को हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। इन शॉर्ट वी टेल 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर्स के साथ में हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, होल नंबर होगा, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम कैपिटल आई या जेड से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स इज कॉल्ड पूर्णांक, इनको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड्स। देयर इज माइनस इन्फिनिटी, -1, -2, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इन्फिनिटी। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इन तीनों नंबर्स में आपको पॉइंट वाले नंबर्स यानी कि डेसिमल्स, फ्रैक्शंस यानी भिन्न, ये इसके अंदर नहीं आएंगे। यहाँ पे सारे सारे पूर्ण नंबर आएंगे, यानी कि पूरे नंबर आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर विच इज डिनोट्स बाय क्यू। इसको हिंदी में हम बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इन रेशनल नंबर ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर इंक्लूड। रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न संख्या और डेसिमल्स को हम बोलते हैं दशमलव संख्या। तो रेशनल नंबर के अंदर आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे और डेसिमल्स भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन की। तो देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। आप जब क्लास देख रहे हो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे हैं और इन चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें ताकि आप उसको बाद में वापस रिवाइज कर सकें। तो अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अ नंबर
विच बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेर पी अपॉन क्यू इज अ फ्रैक्शन. पी अपॉन क्यू इज अ फ्रैक्शन एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी एंड क्यू इंटीजर्स है. पी नेगेटिव हो सकता है, पी पॉजिटिव हो सकता है और पी ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो सब मिलकर क्या बनता है, इंटीजर्स बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं. यहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन बट क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. क्यू ज़ीरो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यू ज़ीरो क्यों नहीं होगा. जब भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है. ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर. और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर. हिंदी में अगर बात करें तो ऊपर जो लिखते हैं उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे जिस नंबर को लिखा जाता है उसे हम हर बोलते हैं. तो अंश बट्टा हर मिलकर क्या बनती है, एक बिन बनती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन. बिन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन. तो पी और क्यू, पी को हम बोलेंगे न्यूमरेटर, क्यू को बोलेंगे डिनोमिनेटर. यहाँ डेफिनेशन में हमने लिखा है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अब क्यू ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो एक इन्फिनिटी बनेगा. जैसे वन अपॉन ज़ीरो, वन अपॉन ज़ीरो का मतलब होता है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब होता है अनिर्धारित संख्या, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते, जिसको हम लिख नहीं सकते. इन्फिनिटी बोलते हैं जिसको अनंत लिखते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हो अनिर्धारित संख्या. हिंदी में आपको साथ साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास सेवन तक अभी तक आपने हिंदी में पढ़ा है, इसलिए इंग्लिश वर्ड्स आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको साथ साथ में हिंदी बता रहा हूँ. इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत आधारित संख्या. इसका मतलब अगर Q यहाँ ज़ीरो हो गया तो ऐसी संख्या बन जाएगी जिसको हम पहचान नहीं सकते, जिनको हम जान नहीं सकते, जिसको हम निर्धारित नहीं कर सकते. समझ गए? तो ये हो गई हमारे रेशनल नंबर की डिफिनेशन. अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर बट Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. एक ऐसा नंबर जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. Q ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. अगर Q ज़ीरो हुआ, Q यहाँ पे डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हुआ तो बनने वाली संख्या क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, अनंत बनेगी, इसलिए Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड? तो बात कर लेते हैं कि अगर हम रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को आपने कैपिटल क्यू से लिखा था, नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर के नीचे अगर अपन 1, 2, 3 कुछ भी लिख दें तो एक फ्रैक्शन बनेगी. जैसे 3 अपॉन 2, 3 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, तो 3 अपॉन 2 क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई. और फ्रैक्शन बन गई इसका मतलब ये कौन सा नंबर बन गया, रेशनल नंबर बन गया. जैसे मैं लिख रहा हूँ 3.5, तो 3.5 भी एक रेशनल नंबर है. तब आप सोचोगे सर ये तो बिन है ही नहीं, इसको तो अपने P बटे Q के रूप में लिखा ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर कैसे हुआ. तो देखो 3.5 है, जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10, यानी क्या बन गया, 35 अपॉन
10, ये बन गया ना P अपॉन Q। तो जो हमारी डेफिनेशन है वो बन गई, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस एंड ऑल डेसिमल्स आर इंक्लूड इन रेशनल नंबर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, चार नंबर्स की बात कर ली हमने, नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर विच इज कॉल्ड इन हिंदी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम डिनोट। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी सी है, ये परिमेय संख्या का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हम परिमेय संख्या का जस्ट ऑपोजिट है, तो अपन लिख सकते हैं अ नंबर विच ए विच कैन नॉट cannot be written in form of P upon Q. A number which cannot be written in P form of P upon Q. एक ऐसा number जिसको हम P upon Q की form में नहीं लिख सकते, अगर P upon Q की form में लिख सकते तो वो हो जाता है rational number, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है, और P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब वो कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर। बस सीधी सीधी सी बात करें, अ नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अंडरस्टूड? बात करते हैं अब इरेशनल नंबर होंगे कौन कौन से। नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर्स इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, फ्रैक्शंस नहीं होंगे, डेसिमल्स नहीं होंगे। तो होंगे कौन से, ऐसे नंबर्स या ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिवीज़न कभी ख़त्म ना हो, यानी कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका अपन भाग देते जाए और भाग कभी ख़त्म ही नहीं हो, उसका डिवीज़न कभी समाप्ति नहीं हो, स्टॉप ही नहीं हो, तो वो होगा रेशनल नंबर। जैसे बात करते हैं 1/3 की, वैसे भी इसको अगर बाला जाए तो ये क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन इसका डिवीज़न अगर अपन करते हैं तो 0.03333 ये रुकेगा नहीं कभी, इसलिए इसको इरेशनल नंबर में भी लिखा जाता है। दूसरी बात, प्राइम नंबर्स का अगर हम रूट्स निकालते हैं, प्राइम नंबर्स का अपन अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। आप लोगों ने सिक्स क्लास से, अमूमन फाइव क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें केवल स्वयं का डिवाइड होता है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो केवल खुद से क्या हो, डिवाइड हो, डिवीजन हो, भाग हो। जैसे बात बताता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc. etc. 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी दूसरी संख्या का डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ डिविजिबल बाई ओनली इट्सेल्फ। और 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और ये नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो केवल स्वयं से, केवल खुद से डिविजिबल होते हैं, केवल खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से भाग होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब बात कर रहे थे हम तो इरेशनल नंबर की, यानी कि √2, √3, √5 etc.
यानी कि अगर आप इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो अपरिमेय संख्या में क्या समझिए आप, इरेशनल नंबर का मतलब समझ गए, अ नंबर विच कैनॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हिंदी में बात करें अपरिमेय संख्या, एक ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो होती है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या समझ में कैसे आएगी, ऐसी संख्याएं जिनको डिवाइड करने पर उनका डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, डिवाइड का मतलब होता है भाग, उनका भाग देने पर कभी उसका डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर में आएगा। वैसे अगर अपन बात करेंगे तो ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गई तो ये रेशनल नंबर भी है, लेकिन इसकी बात अपन आगे करेंगे जब बड़ी क्लास में आ जाएंगे, टेंथ क्लास में या नाइन्थ क्लास में, तब इसको समझेंगे कि ये रेशनल नंबर कैसे हुआ और इरेशनल कैसे हुआ। तो अभी तो अपन को इतना ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर्स जिनका डिवीजन खत्म नहीं होता है इरेशनल में आते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर बनेगा। प्राइम नंबर मैंने आपको समझा दिया, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट्सेल्फ, ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। समझ गए, जितनी भी प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा। दूसरी बात, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है, और नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड, आगे बात करते हैं। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे रहें और वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट करते रहें। ये वीडियो केवल एट क्लास के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें सिक्स क्लास में भी पढ़नी है, सेवन क्लास में भी पढ़नी है, एट क्लास में भी पढ़नी है, और आगे जहाँ जहाँ हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स वहाँ सारी जगह ये काम आएगी। इसको नोट करते रहिए और आगे चलते हैं। जो नंबर है हमारे पास वो है रियल नंबर, रियल नंबर विच इज कॉल्ड वास्तविक संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। रियल नंबर डिनोट्स बाय आर, इसका फर्स्ट लेटर रियल आ रहा आर, तो इसको हम बोलते हैं आर से, इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं, आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर होते क्या है, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इन शॉर्ट, जितने भी नंबर्स अपन पढ़ते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सबके सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गए, फ्रैक्शंस भी आ गई, फ्रैक्शंस का मतलब रेशनल नंबर भी आ गए और इरेशनल नंबर भी आ गए। तो ये सब मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर बनता। अभी हमने बेसिक बात कर ली है कि नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर n जो 1023 से स्टार्ट होते हैं, फिर हमने देखा था होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, फिर हमने देखा इंटीजर्स जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, फिर हमने बात करी थी रेशनल नंबर की जिसके अंदर हमने पढ़ा था अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। फिर हमने बात की थी इरेशनल नंबर की, अ नंबर विच कैनॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लास्ट में मैंने बात करी है रियल नंबर की, रियल नंबर डिनोट्स बाय आर, ऑल रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड इन रियल नंबर, सभी रेशनल नंबर सभी इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनेंगे, रियल नंबर बनेंगे, वास्तविक संख्या बनेगी। वास्तविक संख्या में सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल, हॉल, इंटीजर,
रेशनल, इरेशनल सब मिलकर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ये तो हुई हमारी नॉर्मल सी बात। अब आ जाते हैं अपन चैप्टर पे। इन नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दो तीन वर्ड्स बताता हूँ जिनका मतलब समझना ज़रूरी है। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम मल्टीप्लाई बोलेंगे, और एक होगा डिवीज़न, जिसको हम डिवाइड बोलेंगे। एडिशन का मतलब होता है योग, यानी कि जोड़ना। आप हिंदी से हो इसलिए मैं आपको हिंदी वर्ड साथ साथ में बता रहा हूँ। एडिशन मीन्स योग या जोड़ना। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, बाकी करते हैं ना वो वाली बात। मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना, और डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, डिवाइड का मतलब बांटना होता है, भाग करना होता है। इन वर्ड्स का हमें यूज़ करना है, बहुत सारी वर्ड्स है, ठीक है। तो एक एक करके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुणधर्म, गुण। कहते हैं ना ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका गुण है, ये इसकी गुणधर्म है। तो सबसे पहली बात करते हैं वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं संवृत। ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर के लिए। इफ़ वी एड टू नेचुरल नंबर एंड गेट अ नेचुरल नंबर, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर हम दो नंबरों को जोड़ें, दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ें, एक नेचुरल नंबर है हमारे पास 3, 2, और एक नेचुरल नंबर है हमारे पास 3। 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, 3 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, एंड 3 प्लस 2 मिलकर क्या बन रहा है, 5। देन 5 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। If we add to natural number and get a natural number, this property is called closure property. अगर हम दो नंबरों को ऐड करें, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, और वापस वही नंबर हमें मिल रहा है, तो वो क्या होगी, closure property होगी। Understood? तो ये नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होती है, अप्लाई होती है। होल नंबर के लिए क्या होती है, अप्लाई होती है। और इंटीजर्स के लिए भी क्या होती है, अप्लाई होती है। और रेशनल नंबर के लिए भी अप्लाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई होती है फॉर एडिशन। किसके लिए, एडिशन, यानी कि दो किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर हमें प्राप्त होगा, वापस वही नंबर हमें मिलने वाला है। दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, तो वापस हमें नेचुरल नंबर ही मिलने वाला है। दो होल नंबर को प्लस करेंगे, होल नंबर प्लस होल नंबर, तो हमें वापस होल नंबर ही मिलने वाला है। अगर हम दो इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो भी हमें क्या मिलेगा, वापस इंटीजर मिलेगा। दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, तो भी हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। टू रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर। यानी एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, अप्लाई होती है फॉर एडिशन। फॉर एडिशन, एडिशन के लिए हमेशा क्या होती है, अप्लाई होती है। सेकंड पे बात करें हम सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस, इसका मतलब होता है प्लस। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई नहीं होती है। बात करते हैं, अगर हम 3 - 2 करें तो हमें मिलेगा 1। 3 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, एंड 1 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। इस कंडीशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर घटाया तो हमें वापस नेचुरल नंबर मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम 2 - 3 करें, 2 इज नेचुरल नंबर, 3 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, बट
जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। टू छोटा है ना, थ्री बड़ा है, तो टू में से बड़ा, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस मिलता है। कैसे बताता हूँ, आप माइनस तो थ्री में से टू ही कीजिए तो क्या मिलेगा, वन। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, जो बड़े वाले के सामने साइन लगा होता है, बड़े नंबर के सामने जो साइन लगा है वही रिजल्ट के सामने साइन लगता है। तो टू में से थ्री माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर, बट माइनस वन इज नॉट नेचुरल नंबर, माइनस वन इज इंटीजर। तो दो नेचुरल नंबर को हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला, इंटीजर मिला। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। कौन से नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई नहीं होती है, होल नंबर के लिए अप्लाई नहीं होगी। इंटीजर्स के लिए, क्या इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, बिल्कुल होगी। कैसे, इसी पे आ जाओ वापस, टू नेचुरल नंबर है, टू इंटीजर भी है ना, थ्री नेचुरल नंबर है, थ्री इंटीजर भी है। तो दो इंटीजर्स को हमने माइनस किया तो वापस क्या मिला, इंटीजर। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और रेशनल नंबर के लिए बात करें तो, रेशनल नंबर के लिए बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे भी ये अप्लाई होगी, क्योंकि इंटीजर्स के लिए अगर अप्लाई हो रही है तो ये रेशनल नंबर भी है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। तो अभी तक हमने दो चीज़ देखी है, वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, एक तो एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन। एडिशन सभी संख्याओं के लिए क्या होता है, क्लोजर होता है, यानी कि एडिशन के लिए सभी संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती है, समवर्त प्रॉपर्टी का पालन करती है। सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स और रेशनल नंबर, यानी कि पूर्णांक और परिमेय संख्याएं जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को मानती है, उसका अप्लाई करती है, बाकी वाले को अप्लाई नहीं करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी की। दो चीज की बात हो गई, तीसरे नंबर पर आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको मैंने बताया था, गुणा होता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम दो नेचुरल नंबर को गुणा करें, तो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें, नेचुरल नंबर कौन से हो गए, फॉर एग्जांपल टू, फॉर एग्जांपल फोर इंटू थ्री, फोर थ्री इज़ अ ट्वेल्व। तो फोर इज़ अ नेचुरल नंबर, थ्री इज़ अ नेचुरल नंबर, एंड ट्वेल्व इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो दो नेचुरल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो तीसरा हमें वापस रेशनल नेचुरल नंबर मिला है। इसका मतलब इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। द होल नंबर को भी अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आपको क्या मिलेगा, एक होल नंबर मिलेगा। तो इसके लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। थर्ड बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर मिलेगा, और रेशनल नंबर को भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होती है। अंडरस्टूड। बात कर लेते हैं डिवीजन की। डिवीजन का मतलब डिवाइड, भाग। डिवीजन, अगर एक नेचुरल नंबर के अंदर दूसरे नेचुरल नंबर का डिवाइड करोगे तो वापस नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। कैसे, दो तीन है, तीन के अंदर अगर अपन चार का डिवाइड करें, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री अपॉन फोर, ये थ्री अपॉन फोर, तो थ्री अपॉन फोर तो क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और जो भिन्न संख्याएं होती है वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो डिवाइड के लिए नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी
नहीं लगती है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर दूसरा नेचुरल नंबर का डिवाइड करोगे तो वापस नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा कैसा, होल नंबर के अंदर अगर होल नंबर का डिवाइड करोगे होल नंबर के अंदर तो वापस होल नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे, इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर का डिवाइड करोगे तो वापस इंटीजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर का डिवाइड करोगे तो वापस रेशनल नंबर मिलेगा। कैसे, इसी की बात कर लेते हैं। तीन, अपन तीन को तीन बटा एक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चार को चार बटा एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये एक रेशनल नंबर हुआ, ये भी एक रेशनल नंबर हुआ, हुआ ना, क्योंकि अपन उसको p बटा q के रूप में लिख दिया, p बटा q यानी कि डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। अगर अपन दोनों को करेंगे तो क्या बनेगा, 3/4, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का डिवाइड करोगे तो वापस रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब डिवाइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, किसके लिए, ओनली फॉर रेशनल नंबर, ओनली फॉर रेशनल नंबर। अंडरस्टूड, ये हो गई अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट। आगे बात करते हैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देना, नंबर्स का क्रम चेंज कर देना। कैसे, जैसे देखो, अगर मैं 3+2 लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, 5, अंडरस्टूड। और अगर 2+3 लिखता हूँ तब भी क्या मिलता है, 5। तो क्या हुआ, मैंने 2 को 3 की जगह ले लिया, 3 को 2 की जगह ले लिया, इनका ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ए कोई नंबर है, बी कोई दूसरा नंबर है, और ये बराबर होगा किसके, बी प्लस ए के। कैसे, जैसे मैंने कर दिया 2+3, या ऐसे करूँ मैं 3+2, तो हमें मिलने वाला तो क्या है, 5। इसका मतलब एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन का मतलब समझ गए ना आप लोग, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एडिशन में चाहे उसको सीधा जोड़ो चाहे उल्टा जोड़ो, हमें हमेशा रिजल्ट वापस वही मिलने वाला है। तो एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। आपको पूछा जाएगा, ऐसे ऐसे लिख के देगा प्रश्न में, 3+4=4+3, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमें देखना है कि 3+4, आगे देखा 3 को 4 की जगह लिया है, 4 को 3 की जगह लिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन लिख के देगा और बताएगा, बताओ इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी गुणधर्म लग रही है। तो आप देखोगे इसको 3+4, 4+3, यानी कि इनका क्या हुआ है, ऑर्डर चेंज हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आगे बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस के लिए। अगर हम 5-3 लिखते हैं, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2, 5-3 is 2। और अगर मैं ऐसे लिखूं 3-5 तो क्या मिलेगा, 3 इज स्मॉल नंबर एंड 5 इज बिगर नंबर, 3 छोटा नंबर है 5 बड़ा नंबर है, इसका मतलब माइनस में आएगा। अगर 3 में से 5 को माइनस करोगे तो -2 आएगा। तो -2 और -1 बराबर होते हैं क्या, -2 कभी भी -2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a-b बराबर नहीं होंगे b-a के। 5 में से 3 घटाओगे और 3 में से 5 घटाओगे तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 2 आएगा और ये -2 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शंस के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम
नहीं करती है। आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा होता है, मैंने आपको बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करते हैं, तो देखो इधर अगर हम 3 + 4 करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 × 4 = 12, और अगर 4 + 4 × 3 करते हैं तो कितना मिलेगा, 12। यानी कि इनको सीधा गुणा करो चाहे उल्टा गुणा करो, हमें रिजल्ट तो सेम मिल रहा है, आंसर तो एक ही आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, अप्लाई होती है। यानी कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, सॉरी a मल्टीप्लाई बी करो या b मल्टीप्लाई ए करो, हमें हमेशा रिजल्ट सेम ही मिलेगा। यहाँ लिख देते हैं 3 × 4 = 4 × 3, क्या मिलेगा हमें, 12। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये आ रहा है, दो नंबर को सीधा जोड़ो चाहे उल्टा जोड़ो, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। यानी एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा काम करेगी। दो नंबर को अगर सीधा जोड़ें वापस उल्टा, सीधा घटाएं और वापस उल्टा घटाएं, यानी कि 5 - 3 करें या 3 - 5 करें, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो सब्ट्रैक्शंस के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स को आप चाहे सीधा मल्टीप्लाई करो चाहे वापस उनको उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, तो भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। इसके लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा अप्लाई होती है। एक लास्ट और बच रही है हमारे पास, डिवीजन। क्या बच रहा है, डिवीजन। इसके बाद हम बात करेंगे कल, डिवीजन की बात कर लेते हैं, उसके बाद में कल बात करेंगे। अभी 3-4 प्रॉपर्टीज और हैं जिनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। डिवीजन यानी कि ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए। ए और बी दो नंबर हैं, ए और बी की जगह कोई भी संख्या लिख सकते हैं अपन, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर लिख सकते हैं, रेशनल नंबर लिख सकते हैं, इंटीजर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8/2, अगर हम 8 में 2 का डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, 4। 8 में 2 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना। और अगर इसको उल्टा करें 2/8, यानी कि 2 में 8 का भाग दे तो 4 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है, 2 में इसका भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा 0, फिर कितना जाएगा, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 4 ऐसे ही 0.2 मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 0.25। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जांपल लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पे, 8/2 करोगे तो हमें 4 मिलेगा, और 2/8 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, एक पढ़ी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शंस के लिए, सब्ट्रैक्शंस यानी कि घटाने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होती है, और डिवाइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, सिवाय रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर में अप्लाई होती है, बाकी में नहीं होती। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने देखा एडिशन यानी कि जोड़। एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होती है सबके लिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबके लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होती है, और डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटीज और हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर आइए क्लास में और हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड।